जय माता दी। दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 26 अगस्त दिन मंगलवार को यानी आज सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आज आपको कितने बजे शिव जी का अभिषेक और पूजन करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस वीडियो में आपको निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, साथ ही चारों पहर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी बताऊंगी, और आपको सावन शिवरात्रि व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित महीना है। इस दौरान सावन सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। भगवान शिव की पूजा विधि विधान से इस माह की जाती है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि सावन माह के पावन महीने में शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और हिंदू धर्म में सावन शिवरात्रि का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान शिव सौभाग्य, सुख, शांति और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन कुंवारी कन्या भी व्रत रखकर मनोवांछित वर की प्राप्ति कर सकती हैं। व्रत रखने वाले को सावन शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। आप ये व्रत निर्जल एवं फलाहारी दोनों तरह से कर सकते हैं। आप पूजा के लिए शिव मंदिर जाएं या फिर घर पर शिवलिंग है तो उसी की पूजा करें। सर्वप्रथम आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, फूल माला, फल आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, भगवान शिव को भोग अर्पित करें, फिर वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ में आप शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद शिवरात्रि की कथा सुने और शिव जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें, फिर सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इस विधि से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में सावन शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 जुलाई 2022 की शाम को 6:46 पर हो रही है और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2022 की रात को 9:11 पर होगी। क्योंकि 26 जुलाई को पूरी रात चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसीलिए 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को सावन शिवरात्रि का व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। और इस दिन निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:07 से लेकर रात 12:49 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 42 की है। और बात करें व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त, तो व्रत खोलने का शुभ समय 27 जुलाई 2022 को सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 3:51 तक रहेगा, और रात्रि प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर रात 9:52 तक रहेगा, और द्वितीय पहर पूजा का मुहूर्त रात 9:52 से लेकर रात 12:28 तक रहेगा, और तृतीय पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:28 से लेकर प्रातःकाल 3:04 तक रहेगा, और चतुर्थ पहर पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 3:04 से लेकर सुबह 5:39 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें,
और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।